एकादश अधिकरण प्राणस्तथानुगमात इंद्र प्रतर्दन की आख्यायिका में प्रतर्दन है इंद्र के पास पहुंच गया तो इंद्र ने उनको वर देने के लिए कहा। प्रतर्दन कहा आप ही वर हमको दीजिए जो मनुष्य के सबसे हिततम है। त्वमेव मे वृणीष्व यम त्व मनुष्य हिततम मन्यसे। प्रतर्दन ने कहा हिततम सबसे क्या है? ब्रह्म विद्या ही हिततम सबसे। अन्य कोई हित होते हैं किंतु हिततम सबसे ब्रह्म विद्या। सारे दुख निवृत्ति का कारण, परमानंद प्राप्ति का कारण, इसलिए ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उपदेश करते समय वो कहते हैं तम आयु अमृतत्व उपासो। तो अमृत माम उपासो कहा सहवाच प्राणोसि प्रज्ञात्मा तम आम आयुरमृतम इति उपास्व। इसे कहा अब ये प्राणोसि प्रज्ञाता कह करके इसमें जो मैं इंद्र उपदेश करता है प्राणोस्मि वो किसके लिए? वो प्राण क्या है? वायु लेना है, जीव लेना है, ये क्या लेना है? पहले एक आया अधिकरण आया था अतैव प्राण, उसके पहले सूत्र है आकाशस्थलिंगा। आकाश शब्द से ब्रह्म लेना उसका लिंग ज्ञापक है सारे जगत का कारण। फिर प्राण अतैव प्राण, अतैव क्या था तलिंगा देव ब्रह्म का ज्ञापक है। प्राण जिस रोग की उत्पत्ति कौन से प्राण भी ब्रह्म, ये पहले आ गया है। यदि प्राण से ब्रह्म सिद्ध हो गया फिर यहाँ प्रतदन समाधि हो तो भी प्राण ब्रह्म लेना क्यों विचार करते? तो इसे क्या इसमें अन्य अन्य लिंग है। माम इंद्र कहते हैं, माम कौन से? इंद्र देवता के लिए लिंग है और मुख्य प्राण लिंग हो सकता है क्योंकि प्राणोस्मी कहते हैं तो प्राण प्राण होता है स ऐसा प्राण एव प्रज्ञात पा अजर अमृत और अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात पा कहा शरीर को धारण करता है। और जीव कहने के लिए भक्त आत्मा वाचम विद न वाचम विजिज्ञासित दिया वाचम हाँ न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्या। वक्ता जीव होता है तो जीव का लिंग, ब्रह्म का लिंग, प्राण का लिंग, देवता का लिंग बहुत ज्ञापक है। बहुत लिंग होने से यहाँ प्राण शब्द से जीव लेंगे अथवा देवता लेंगे, इंद्र देवता लेंगे अथवा प्राण लेंगे अथवा ब्रह्म लेंगे। इसे उसका प्राण भी ब्रह्म तथा तथा अनुगमा क्योंकि है बहुत कुछ ब्रह्म का लिंग ऐसे अनुगत है। इसे प्राण शब्द से ब्रह्म लेना करके तस्मात् प्राण ब्रह्म ये सूत्र हो गया था। आगे न वक्तुरात्म उपदेशादिति चेद् अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन् न वक्तुरात्म उपदेशादिति चेद् अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन्। यहाँ तक शंका है न वक्तुर आत्मोपदेशादिति चेत पूर्व पीछे कहता प्राण ब्रह्म नहीं होगा जो आपने कहा तस्मात प्राण ब्रह्म पूर्व पीछे कहता न अर्थात प्राण ब्रह्म नहीं क्यों नहीं न सदा प्राण ब्रह्म नहीं क्यों नहीं वक्तुर आत्मोपदेशात वक्ता के आत्मा का उपदेश किया वक्ता है इंद्र इंद्र का आत्मा उपदेश किया तो ब्रह्म क्यों लेना देवता लेना जीव लेना भक्तुर आत्मोपदेशादि चेत। यहाँ तक शंका होने पर सिद्धांत कहता है अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन् इसी प्रकरण में अध्यात्म संबंध भूमा भूमा बहुत तो बाहुल्य अध्यात्म संबंध का अर्थ करेंगे प्रत्यात्म संबंध प्रत्यात्मा का संबंध अधिक इसमें है इसलिए वही जो ब्रह्म वही प्रत्येक अभिन्न है इसका उपदेश किया गया ब्रह्म लेना है।
अध्यात्म संबंध प्रत्यात्म संबंध भूमा का आधिक्य इसी प्रकरण में है, इसी प्रकरण अध्यात्म संबंध है, संबंध होने से ब्रह्म लेना है। ठीक है, मैं नहीं भाष्य में पहले यदुतम प्राणो ब्रह्मेति केन उक्तम सिद्धांतेना प्राण ब्रह्म इति किसने कहा? तस्मात् प्राण ब्रह्म सिद्धांति का कथन पूर्व विषय कहता है यदुतम प्राण ब्रह्म इति त्वया उक्तम जो कहा था तद आक्षिप्यते। अब पूर्व विषय के द्वारा आक्षेप किया जाता है, ये पूर्व विषय का वाक्य नहीं, सामान्य जो प्राण ब्रह्म सिद्धांत ने कहा उसके पर आक्षेप किया जाता है, पूर्व विषय आक्षेप करता है। न न शब्द का क्या अर्थ हो गया? न परम ब्रह्म प्राण शब्दम, पहला है प्राणो ब्रह्म, प्राण शब्द से ब्रह्म लेना है, तो ये कहता है न प्राण शब्दम परम ब्रह्म, न प्राण शब्दम शब्द होता है पुल्लिंग, मालूम है शब्द है पुल्लिंग, प्राण शब्दम नपुंसक है, कैसे प्राण शब्दम ब्रह्म है? प्राण शब्दो यस्य शब्द मतलब वाचक, प्राण है शब्द, जैसे लेखन ही शब्द यस्य, लेखन ही शब्द वाचक है, प्राण शब्द यस्य शब्द मतलब वाचक है, यस्य ब्रह्मण प्राण अर्थ, प्राण है शब्द ऐसे तो प्राण है अर्थ, जिस प्राण नहीं प्राण अर्थ नहीं, प्राण है वाचक शब्द यस्य, प्राण शब्द है वाचक जिसका, प्राण शब्द का था वाचक, यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म प्राण शब्दम, परम ब्रह्म प्राण शब्दम न प्राण शब्द, प्राण शब्द से परब्रह्म कहा गया जो तुमने कहा ठीक नहीं है, क्यों नहीं अकस्मात? उत्तर देता है, हेतु देता है, वक्तुर आत्म उपदेशात इति चेत्, वक्तुर आत्म उपदेशात, यहाँ वक्ता कौन है? ब्रह्म इंद्र, वक्ता ही इंद्र नाम, वक्ता इंद्र नाम कश्चित विग्रहवान, इंद्र है कोई जिसका विग्रह है विग्रहवान, वो कौन है? देवता विशेष, देवता तो बहुत है, इंद्र भी देवता है, सारे देवता को इंद्र कहते हैं, ये देवता विशेष, ये लोग एक विषय के देवता है, वो स्वयं उपदेश करता है इंद्र, क्या कहते हैं? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, अहमअस्मि किसके उपदेश करता है? स्वम आत्मानम, स्वम का अर्थ आत्मानम, आत्मा प्राप्त है, आत्मनम ने आत्मानम, तीन टीका बने संशोधन करो, अपने स्वम का अर्थ आत्मानम, प्रतदनया आचक्षे, शिष्य कौन है? प्रतदन के लिए कहा, आचक्ष के लिए इंद्र ने कहा, किसको कहा? आत्मानम, अपने को कहा, कैसे कहा? मामेव विजानी ही, मुझे ही जानो, उपासना करो, मामेव ऐसे आरंभ करके इति उपक्रम है, आगे कहते प्राणोस्मि प्रज्ञात्वा, ये तो अहंकार बाद है ना, अहंकार अहम अस्मि, अस्मि कहें तो हम आ गया, अहंकार के द्वारा प्राणोस्मि प्रज्ञात्वा, मैं प्राण हूँ प्रज्ञात्वा, कौन कह रहा है? इंद्र, इंद्र कहते प्राज्ञोस्मि प्राणोस्मि, तो इसलिए वहाँ वक्ता का वक्ता के आत्मा को उपदेश किया गया, तो इंद्र को लेना है, ब्रह्म क्यों लेंगे? सए स वक्तुर आत्मतन उपदिश्यमान प्राण कथम ब्रह्म स्याद, पूर्व विषय कहता है, सए स जो कहा गया प्राणोस्मि कहकर जो कहा गया उपदेश किया गया प्राण, सए स प्राण उपदिश्यमान, केन रूपेण उपदेश किया गया? वक्तुर आत्मत्वेन, वक्ता के आत्मरूप से, मैं प्राण हूँ इंद्र कहते हैं, कहने वाले वक्ता है इंद्र, स्वम अपने को आत्मा का उपदेश करता है, वक्तुर आत्मा अहम अस्मि प्राण, मैं जो वक्ता है वही आत्मा है, मैं ही हूँ प्राण, उसे आत्मत्वेन उपदेश्यमान प्राण, जो वक्ता के आत्मरूप से उपदेश किया गया प्राण, वो कथम ब्रह्म से आद, ब्रह्म का भी वक्ता होता है, ब्रह्म कुछ बोलता है कभी? कहते ब्रह्म होगा, प्राण कथम ब्रह्म से आद,
क्या ब्राह्मण में क्या पति यदि नहीं ब्राह्मण वक्तृत्व संभव थी। ब्रह्म में वक्तृत्व संभव है क्यों नहीं? अवाक अमना इत्यादि श्रुति में अवाक अमना अवाक अविद्यमान वाक्य वाक्य ही नहीं मन भी नहीं है अविद्यमान मनुष्य स अमना परमात्मा अमना है मानना रहित तो वाग रहित है तो वक्तृत्व कैसे होगा? अरे वक्ता कहता है प्राग प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा ऐसे बोलने वाला ब्रह्म कैसे होगा? तो बोलने वाला तो इंद्र होगा कोई देवता है अथवा तो जीव होगा। टीका में अहंकार वादिन स्वात्मवाचक शब्द ही आचक्षी स्वात्मा प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा का आत्मवाचक शब्द के द्वारा स्वयं अहंकार वादिन आचक्षी आचक्षी का अर्थ है उक्तवान लिटा का किसने कहा? इंद्र वाक्य से इंद्र उपासना परते पूर्व पीछे कहता है इंद्र की उपासना के लिए वाक्य है ब्रह्म के लिए नहीं। तो उसमें दूसरा लिंग है ज्ञापक लिंगांतर महा तथा तथा विग्रह तथा विग्रह संबंध भी रेव ब्रह्मणी असंबंध भी धर्मेर आत्मान तुष्टाव ब्रह्म का विग्रह है विग्रह नहीं इंद्र विग्रह संबंधी धर्म बताया विग्रह संबंधी भी रहे वह धर्म ही कुछ धर्म के द्वारा अपनी अपनी स्तुति की इंद्र ने कैसे धर्म जो विग्रह संबंधी जो धर्म विग्रह संबंधी विग्रह संबंध वाले विग्रह संबंधी कौन धर्म जो धर्म ब्रह्म में संभव नहीं ब्राह्मण असंबद्ध भी असंभव असंभव भी ब्रह्म में असंभव असंभव कौन है धर्म वो धर्म कहाँ संभव है विग्रह विग्रह वाले में संभव विग्रह संबंधित धर्म ब्रह्म का विग्रह नहीं होने से ब्रह्म में वो धर्म नहीं होगा। इसी धर्म के द्वारा क्या कहता है इंद्र आत्मानुतुष्टाव अपने आप की स्तुति की विग्रह संबंधित धर्म कथन करके जो ब्रह्म में घट गया नहीं इन धर्म के द्वारा इंद्र ने अपने आप की आत्मान तुष्टाव स्टूय तो लिटल ग्रह बनेगा तुष्टाव तुष्टाव आगे क्या बनेगा तुष्टवा तो तुष्ट हाँ तुष्टाव कैसे विग्रह संबंधी कैसे त्रिशीर्षाणम त्वाष्टम अहनम अरुण मुखान यतीन शाला वृकेभ्य प्रायचम इतमादि त्रिशीर्षाण तीन शीर्ष वाले त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप है ब्राह्मण है त्रीन शीर्षा ने से त्रिशीर्षा है त्वाष्ट उसको मैं मार लिया मार दिया एक ब्राह्मण है विश्वरूप नाम को उसको मैं मार लिया और अरुण मुखान रहुते थी शब्द यथार्थ शब्द उच्चारण करता है रुत वेदांत वाक्य जो वेदांत वाक्य उच्चारण नहीं करते वेदांत श्रवण नहीं करते उनको क्या कहेंगे अरुण मुखा वेदांत शब्द उच्चारण नहीं करने वाले ऐसा जो यतीन सन्यासी है करके सन्यास श्रवण को याद वेदांत सन्यास लेकर के वेदांत श्रवण नहीं करेंगे तो ये हो गया अरुण मुख जिनके मुख में वेदांत शब्द नहीं है ऐसे यति को क्या कर दिया शाला वृक भी प्रायचेद शाला वृक वृक होता है क्या भेड़ का भेड़ नहीं है भेड़िया हाँ भेड़ तो होता है अलग भेड़ भेड़ होता है बक ये भेड़ का और क्या हिंदी में क्या कहते हैं मेसा मेसा होता है एक ही बकरी होता है मैं और एक मेस होता है सिप कहते हैं जिसका लोम बनाते हैं भेड़ भेड़ कहते हैं तो और एक भेड़िया है वृक है शाला वृक देखो शाला शब्द देखो शाला वृक तो दोनों को मिलाकर शाला वृक है भेड़ भेड़िया क्या दिया कपि अच्छा कोष्ठ है श्रृगाला कोता है शाला वृक के लिए हाँ कोष्ठा श्रृगाला और कुत्ता को दिया है
अच्छा वही दे है श्रीगाल बानर प्रस्थान हो गया अरण्य अरण्य सब है। हाँ दिया इसमें अरण्य में रहने वाले कुत्ते वहाँ कुत्ता कहाँ मिलेंगे अरण्य में रहने वाले कुछ कुत्ते होते हैं अरण्य सब है दत्तवानस में ठीक है अरण्य में रहने वाले और ये साला वृक्ष वन्य श्वान वो दिया है ये इसमें वन्य श्वान वन्य में रहने वाले कुकुर तो यही से भेड़िया तो अर्थ नहीं हुआ वन्य में रहने वाले कुत्ता साला वृक्ष भय वृक्ष शब्द केवल उसके लिए खाली वृक्ष शब्द देखो वृक वृक ही भेड़िया हो वृक उधर आता है और साला वृक कान से अलग हो गया डाला और आगे यह मृग यह अच्छा पशु विशेष मृग तो साला मृग तो हो गया अरण्य कुत्ता है और श्रृगाल भी है अरण्य कुकुर रहते को श्रृगाल भी है ऐसे जो यति है ऐसे अरण्य कुत्ते को दे दिया मैं और देने पर कुछ मेरा कोई कोई हानि नहीं हुई इंद्र कहता है तो अपने को दे दिया तो मेरे लोम मेरा एक लोम भी टूटा नहीं कुछ नहीं हानि हुई ऐसे कहकर अपनी स्तुति करता है इंद्र तो ये भक्तुर आत्मोपदेश आत्मोपदेश किया इसलिए ओ ब्रह्म नहीं होगा ठीक है मैं देखो त्रीन शीर्षाणी अस्य त्रिशीर्षा शीर्षण शब्द न करांत त्रीन शीर्षा से सत्री त्रिशीर्षा त्रिशीर्षा क्या व्यक्ति है प्रथमा एक वजन हाँ प्रातिवेदी क्या है त्रिशीर्षण त्रिशीर्षा आगे हाँ त्वष्टु पुत्र विश्वरूप त्वष्टी नाम के उसका पुत्र विश्वरूप नाम ब्राह्मण तम तवानस्मि तीन श्री वाले जो त्वष्टा है त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप उसको मैं मार दिया आगे अरुण मुखान रौति यथातम शब्द इति रुथ रु शब्द अर्थ है रौति इति रुथ रु धातु से क्विप कर दो तो हो जाएगा रस्सा चपेती करते हो हाँ गुण क्यों नहीं हुआ कित कौन है कोई भी हाँ कोई भी कितन से गुणा नहीं हुआ रू अगर तकार रुत हो गया रौते थे रुत रौते मतलब शब्द करता है यथार्थ शब्द करता है तो यथार्थ शब्द तो कौन करेगा वेदांत वाक्य ही अन्य वाक्य जितने सो यथार्थ है देखो रौती क्या अर्थ क्या रौती यथार्थम शब्द है थी रुत यथार्थ शब्द करने वाला रुत हो गया कौन वेदांत वाक्य तन मुखे शाम तेन रुन मुखा वेदांत वाक्य जिनके मुख में है वो क्या होंगे रुन मुखा और न रुन मुखा आई थी जिनके मुख है वेदांत वाक्य ही नहीं वेदांत श्रवण नहीं करते मुख में कहाँ आएगा श्रवण करेंगे तो मुख में आएगा जिनके मुख में से वेदांत वाक्य नहीं तेभ्य अन्यान वेदांत बहिर्मुखान तेभ्य अन्य तेभ्य मतलब ऋणमुखेभ्य ऋणमुख ऋण तन मुखे शाम ते ऋणमुखा तेभ्य शब्द का क्या अर्थ ऋणमुखेभ्य ऋणमुख जे जिनका शब्द मुख में शब्द वेदांत शब्द है उनसे अन्यान उनसे अन्य कौन है जो वेदांत बहिर्मुख वेदांत बहिर्मुख कोई अति होते जितने वेदांत बहिर्मुख है ऐसा यतीन अरण्य सभ्य तत्वान अस्मी अरण्य में रहने वाले जो कुत्ते हैं श्रृगाल आदि उनको दे दिया
ऐसे बहिर्मुख यतिन दत्तांश इत्यर्थ। इसलिए यहाँ ब्रह्म नहीं होगा। और इंद्र शब्द प्राण के भी हो सकता है, इंद्र प्राण शब्द उपपत्ति प्राण शब्द भी सब घट गया यहाँ, क्योंकि प्राणत्वम च इंद्र से बलवत्ता तो उपपद्यते, इंद्र बल बल देवता है, प्राण हो जाएगा। प्राणो वे बलम इति विज्ञायते, प्राणो वे बल इसे कहा जाता है। बल से च इंद्र देवता प्रसिद्ध, बल में इंद्र देवता प्रसिद्ध है। वदन्ति लौकिकापि इत्यर्थ प्राणत्वं च इंद्रस्य बलवत्ता तो कहते लोक में कहते। टीका में बलवाचिना प्राण शब्द न बल देवता लक्ष्यते इति भाव, बलवाच हो गया प्राण, तो प्राण से भी कह कर से प्राण शब्द से बल देवता इंद्र लक्ष्यते लक्षण से कहा जाता है। किंतु हिततम कैसे होगा इंद्र, हित प्रदातृत्वाद हिततम, इंद्र हिततम कैसे हुआ, हित प्रदाता हित के दाता हिततम ब्रह्म विद्या दे रहे अभी प्रतदन को, हित प्रदाता है, हिततम हो गया, हित प्रदातृत्वाद हिततम हो गया, हिततम कौन हो गया, इंद्र, ब्रह्म विद्या नहीं, ब्रह्म विद्या हिततम है, उसके प्रदान करने से अभी इंद्र भी हिततम हो गया। कर्म अनधिकारात् अपाप इतिवम व्याख्या, यानी अपाप का आगे कहा, अपाप निष्पाप का, मुझे पाप नहीं हुआ इतने करने पर, निष्पाप कैसे होगा, देवता जो है उनका कर्म में अधिकार नहीं है, कर्मजन्य पुण्य पाप उनमें नहीं, ऐसे कर्म अनधिकारात् अपाप ये भी हो जाएगा। इतिवम व्याख्या नित्या निश्चिते च मूल में याच काचित बलकृति इंद्र कर्मेव इति वदन्ति, जितने बल बल कृति है कार्य इंद्र कर्म ऐसे कहते हैं, कौन कहते हैं, वदन्ति का कर्ता कौन, टीका में आ गया, वदन्ति लौकिक क्या लोक भी कहते हैं। निश्चित है चैव देवतात्म उपदेश, जब प्रा इंद्र कहते हैं देवता आत्मा उपदेश करते हैं तो हिततमत्वादि वचन तो उसमें घटाना पड़ेगा। जब ये देवता आत्मा उपदेश हुआ निश्चित हो गया, हितवत्व हिततमत्वादि वचनानी यथासंभवम तद विषयानी योजितव्यानी, वो यथासंभव तुमने इंद्र में घटाना पड़ेगा। देवता आत्मा उपदेश हुआ यथासंभव तद विषय इंद्र संबंध सद विषय का योजना करना पड़ेगा। तस्मात् वक्तुर इंद्र से आत्म उपदेशात्, वक्ता कौन है, वक्ता इंद्र आत्म उपदेशात् न प्राण ब्रह्म, प्राण शब्द से ब्रह्म नहीं कहा, इति आक्षेप, यहाँ तक आक्षेप हो गया, न वक्तुर आत्म उपदेशात् इति से वक्ता का आत्म उपदेश क्या गया, इसे ब्रह्म नहीं होगा, इस आक्षेप होने पर समा प्रति समाधि होती उसके समाधान करते अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, ये उत्तर ये टीका में किम इंद्र पदेन विग्रह उपलक्षितम चिन्मात्र मुच्यते उत विग्रह, सिद्धांति का कथन है इंद्र शब्द से, तो इंद्र तो कहा, तो इंद्र शब्द से शरीर को लेना है या चिन्ह मात्र लेना है, इंद्र उत इंद्र इंद्र कौन है, शरीर को इंद्र लेना, इंद्र के शरीर को इंद्र लेना या चेतन को इंद्र लेना, किम इंद्र पदेन विग्रह उपलक्षितम चिन्मात्रम, विग्रह से उपलक्षित चिन्मात्र लेना या विग्रह को लेना, देवतत्व गच्छति देवदत्त नाम वाले जो विग्रह शरीर, इस शरीर से उपलक्षित चेतन को लेना देवदत्त या केवल शरीर को लेना, बोलो देवदत्त क्या है, केवल शरीर है या शरीर से संबंधित चेतन लेना।
केवल जड़ को देवदत्ता नहीं कहते हैं, चेतन है तो कहते हैं। तो इंद्र शब्द से दे विग्रह उपलक्षित चिन्मात्र अथवा विग्रह दो विकल्प क्या, यदि चिन्मात्र विग्रह उपलक्षित चिन्मात्र लेंगे तो चिन्मात्र ब्रह्म है, आद्य वाक्य से ब्रह्म प्रथम सिद्धम सिद्धांति कहता है। यदि विग्रह से उपलक्षित चिन्मात्र लोगे तो वाक्य ब्रह्म परक सिद्ध हो जाएगा, वाक्य से ब्रह्म परत्वम ब्रह्म परक वाक्य सिद्ध हो जाएगा, और यदि विग्रह लेंगे तो ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा। द्वितीय न द्वितीय इतिहा द्वितीय नहीं अध्यात्म संबंध भूमाए अध्यात्म संबंध, अध्यात्म संबंध क्या अर्थ क्या, प्रत्यात्म संबंध, प्रत्यात्म संबंध से भूमा भूमन शब्द है, भूम शब्द क्या तो बहुत्वम बाहुल्यम, भूम शब्द बनता है बहु शब्द से क्या सूत्र बहो लोप भूच बहो, बहो लोप बहु का लोप हो जाएगा, बहु लोपन तो बहु का लोप कर दो, बहु का लोप हो गया तो है हाँ बहु पंचमे थे षष्ठी नहीं, बहु का लोप नहीं है, बहु से परे किसका लोप होगा, हाँ ये ईस्टर्न इमर्जी बहुआ क्या इमर्जी चिकन में सूत्र क्या है नहीं इमर्जी क्या सूत्र हाँ पृथ्वी पृथ्वीवादि इमनिचिवा पृथ्वादि इमनिचिवा इमनिचि करें तो अगर पृथ्वत्व ईस्टर्न अलग है ईस्टर्न ये सुन अलग है, यहाँ इमनिचि प्रत्यय पृथ्वादि इमनिचिवा बहु से इमनिचि करेंगे, बहु अगर इमनिच इमनिच का इमन रहेगा, बहु के आगे बहोर लोप बहो बहु के पर में यहाँ से तो लग जाएगा आधे परस इमन से आदि कौन है ई का लोप हो जाएगा, बहो लोप का तो बहु से पर इमनिच का लोप प्राप्त हुआ, पर कहन से आधे परस से आदि का लोप होगा ई का, नहीं तो अलंत संत लोप होना था, ई क्या लोप हो जाएगा तो रहेगा प्रत्यय क्या मन बहु अग्रे मन बहु अरे भू च बहु, बहु के स्थान पर क्या आदेश होगा बहु के स्थान पर आदेश हो गया भू, प्रत्यय क्या था इमनिची, इमनिची का ई कहाँ गया उससे लोप हो गया मन हो गया, तो भू अग्रे मन क्या बन गया भूमन, क्या बन गया भूमन, भूमान नहीं भूमन भूमन, प्रथम क्या बनेगा भूमा, क्या प्रातिपदिक है भूमन, किस शब्द से भूमन बना बहु शब्द से, बहु शब्द से इमनिचि हुआ पृथ्वादि हुए इमनिचि वा इमनिचि करने का क्या तो लगा बहु लोप भूच बहु, तब भूमा भूमा में भूमन प्रत्यात्म संबंध तत्व भूमा, भूमा का अर्थ हो गया बाहुल्यम बहुत्वम, अस्मिन् अध्याय उपलभ्यते इस अध्याय में प्रत्यात्म जो हाँ कौशितो के उपनिषद में अध्याय में बाहुल्यम अस्मिन् अध्याय उपलभ्यते उसमें श्रुति में आया यावद् अस्मिन् शरीरे प्राण वसति तावद् आयु, जब तक शरीर में प्राण रहता है इतना आयु है, प्राण चला गया तो आयु समाप्त हो गया, आयु समाप्त में प्राण नहीं रहता है, प्राण सेवा प्रज्ञात्मन प्रत्यगभूतस्य आयुष प्रधान उपसंहारयो स्वातंत्र दर्शयति, इसे प्राण जो प्रज्ञात्मा है प्रत्यगभूत प्रत्यात्मा आयु प्रधान उपसंहार भी हो आयु प्रदान करता है, और जब चला गया तो प्राण नहीं रहता आयु नहीं रहता है उपसंहार कर देता है, स्वातंत्र दर्शयति स्वातंत्र कौन हुआ जो प्राण रूप प्रज्ञात्मा प्रत्येगात्मा है प्रत्यभूत वो स्वतंत्र है, जब तो रहेगा तब तो गायबे चला गया तो गाया, न देवता विशेष से पराचीन से जो प्रत्यात्मा से भिन्न जो देवता लेंगे पराचीन भिन्न है पर उसको नहीं लेना। टीका में आत्मनि देहे अधिगत इति अध्यात्म प्रत्यगात्मा,
अध्यात्म क्या था? आत्मनि अधि इति अध्यात्मम, आत्मनि इति अध्यात्मम, आत्मनि विग्रह है। सूत्र किससे समास होगा? यहाँ किस अर्थ में समास हुआ? विभक्ति अर्थ में, अधिक सप्तमी आत्मनि, तो विग्रह दे दे आत्मनि। आत्मा शब्द का तो देह, देह अधि अधिगत ज्ञात है, इति अध्यात्मम देह संबंधी हो गया प्रत्येगात्मा। अध्यात्म का तो प्रत्येगात्मा, अध्यात्म संबंध का अर्थ हो गया प्रत्येगात्म संबंध। अध्यात्म शब्द का क्या अर्थ हुआ? प्रत्येगात्मा स संबद्ध थे, यही वो प्रत्येगात्मा जिनके द्वारा संबद्ध है। कौन? शरीर तत्व आदि भी, शरीर तत्व इंद्र तनु असंभावित ही, शरीर तत्व आदि भी इंद्र तनु असंभावित ही धर्म, इंद्र शरीर में नहीं घटेगा, शरीर तत्व आदि भी इंद्र तना असंभावित ही धर्मे ही, धर्मे ते अध्यात्म संबंधा, अध्यात्म संबंध कहा प्रत्यात्म संबंधी, जो इंद्र शरीर तत्व आदि भी असंभावित ही धर्म है, प्रत्यात्म संबंध का अध्यात्म संबंध तस्य भूमा है। अतः इंद्र आदि नहीं ले सकते क्योंकि इसका शरीर अलग है। आयुरत्र देह प्राणवायु संचार, तमाम आयु, आयु का आयु क्या है? देह में देहांतर देहाभ्यंतर संचारी वायु प्राण, प्राणवायु संचार देह। अस्तित्व प्राणस्थित्व देह है, होने पर इंद्रिय की स्थिति है, प्राणस्थित्व प्राणानाम इंद्रियाणाम स्थिति इति अर्थ अस्तित्व भाष्य में आगे है। जब प्रत्यात्म है तब तक प्राण सो हुए, प्राणवशे तावत आयोग प्राण से प्रज्ञापन प्रत्यय होता तथा अस्तित्व च प्राणानाम, प्राणानाम अस्तित्व निःश्रेयसम इति अध्यात्ममेव प्राणाश्रय इंद्रियाश्रय प्राण दर्शयति। प्राण रहने पर ही निःश्रेयसम मुख्य होगा, प्राण रहेगा अस्तित्व च इति अध्यात्मम एव देह प्रत्यात्म ही, प्रत्यात्म संबंध इंद्रियाश्रय प्राणम दर्शयति। इंद्र का आश्रय जो प्राण है वो प्रत्यात्मा है, तो प्राण शब्द से प्रत्यात्मा लेना है। निःश्रेय से कैसे बताया? प्राणानाम निःश्रेयसम, निःश्रेय का तो मुख्य तो होता है किंतु वहाँ निःश्रेय हो गया श्रेष्ठत्वम सैष्ठ्यम। टीका में देखो, अथा तो निःश्रेय साधन आदानम, निःश्रेयस्य आदानम, निःश्रेयस मतलब श्रेष्ठत्व से सैष्ठ्य श्रेष्ठत्व है, प्राण श्रेष्ठ है। आदान का अर्थ ग्रहण, ग्रहण क्या है? निर्धारण निश्चय। अथा तो निश्चय साधा असाधन इत्यादि आश्रुति, निःश्रेयस्य आदानम, निःश्रेयस हो गया श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है उसको आदान का अर्थ ग्रहण निर्धारण निश्चय। श्रेष्ठत्व का निश्चय के लिए आरंभ किया जाता है प्रत्युयते, अथा तो निश्चय, अभी प्राण में श्रेष्ठत्व का निश्चय आरंभ होता है, ऐसे कह करके आगे तो आया। प्राण श्रेष्ठ है, अन्य इंद्रिय के वैशिष्ट्य है। इंद्रिय स्थापकत्ववत देह उत्थापकत्व, इंद्रिय के स्थापक है प्राण, प्राण ही तो इंद्रिय रहेगा, प्राण चल जाएगा तो इंद्रिय भी नहीं जा सकते, इसलिए प्राण श्रेष्ठ हुआ। तथा अस्तित्व प्राणानाम निःश्रेयसमिति, अध्यात्म में भी इंद्रिया से प्राण, इंद्रिय का आश्रय जो प्राण है प्रत्यात्मा है। तथा प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिग्रह उत्थापयति, प्राण ही प्रज्ञात्मा ही शरीर को धारण कर उत्थापयति, शरीर को उत्थान करता है, शरीर स्थित होता है, उसको शरीर में जो शक्ति देता है
ये प्राणी उत्थापित उठाता है, इसलिए क्या इसका लिंग हुआ? इंद्रिय स्थापकत्व जैसे हुआ, देह के उत्थापकत्व भी है प्राण में, देह को उठाता है प्राण से तो उठेगा। तो ये एक हो गया, तो इंद्रिय का आश्रय होगा प्राण, इंद्रिय का स्थापक है और देह का उत्थापक उठाया, ये श्रुति कहती। प्राणेव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिग्रह उत्थापयति। और न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात कह करके आरंभ करके, वाचम न विजिज्ञासित इंद्रिय को नहीं, वक्ता को जाने, वक्ता कौन से जीव लेना है। वक्तृत्व मुक्त्वा सर्वाधिष्ठानत्वं दर्शितमित्याह न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, ऐसे आरंभ करके उस सबका अधिष्ठान कैसे, तद्यथा रथस्य आरेषु निमिरर्पिता नाभावरार्पिता एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रासु अर्पिताः, प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः। सहस प्राणेव प्रज्ञात्मा आनंदो वज्रो अमृत इति विषय इंद्रिय व्यवहारान अभिभूतम व्यवहारान अभिभूतम प्रत्यात्मान में उपसंहरति। सिद्धांत कहता है जैसे सबका अधिष्ठान है, तथा रथ से अरेसु नेमी अर्पिता, रथ के बीच में चक रहता है नाभि, नाभि में अर रहते सब तरफ, अर में चार तरफ नेमी, नेमी अर्पिता। और अर किस में अर्पिता है? नाभा वरार्पिता, नाभि में अर, मध्य में नाभि जिसमें अक्षर रहता है, नाभि में अर अर्पिता और अर के ऊपर चार तरफ नेमी अर्पिता। जिस प्रकार आश्रित एवं एवं यथा भूतमात्रा, जितने भूतमात्र है, भूतमात्रा शब्दादि विषय सब प्रज्ञा मात्रा स्वर्पिता, ये सब प्रज्ञा मात्रा में दशा में इन अर्पित है, ज्ञान में विषय में विषय, सारे विषय के ज्ञान, ज्ञान में विषय से अर्पित होते हैं। ज्ञान जो रूप प्रसाद का ज्ञान होगा इंद्रिय के द्वारा, सब भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा में अर्पित, प्रज्ञा मात्रा प्रज्ञानुसार ज्ञान, ज्ञान में भूत सब अर्पित है, आश्रित है। जैसे ज्ञान होता है तो घट ज्ञान हुआ, घटाकार वृत्ति होती वो ज्ञान में अर्पित हुआ। तो भूतमात्रा, भूतमात्रा विषय जो है, मात्रा है मियंत्रित मात्रा भोग्य शब्दादि विषय, प्रज्ञा मात्रा में अर्पित अपने ज्ञान में अर्पित है। और प्रज्ञा मात्रा ज्ञान फिर किस में अर्पित है? प्राणी अर्पिता। असह स प्राण ही प्रज्ञात्मा, वो प्राण ही प्रज्ञात्मा हुआ, जो आनंद है, जरा रहित है, अमृत है, कह करके भूतमाता कर विषय ले लिया, प्रज्ञा मात्रा इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय व्यवहार, व्यवहार अनभिभूतम, व्यवहार से अभिभूत नहीं होने वाले प्रत्येक आत्मा का ही उपसार करती श्रुति। प्रत्येक आत्मा है सबका अधिष्ठान है, क्योंकि ये आनंद है, अजर अमृत है, अन्य किसके द्वारा विषय इंद्रिय व्यवहार करने पर भी किसके द्वारा अभिभूत नहीं होकर के प्राण प्रज्ञात्मा है। समय आत्मा इति विद्यात आगे उपसार करता है, वही मेरा आत्मा है, इति जो उपसार प्रत्यगात्म परिग्रह है साधुर। प्रत्यगात्म लेंगे तो साधु होगा, और अलग कोई लेंगे तो न पराचन परिग्रह है, पराचन परिग्रह अन्य प्राण इंद्र आदि लेंगे तो नहीं होगा, प्रत्यगात्म लेना चाहिए। ठीक है, मैंने इति जो तत्र उपक्रम में तद यथा रतनावेश रथ से तत्काल तत्र नाना प्रपंच से आत्मनि कल्पनायाम यथा दृष्टान्त। प्रपंच नाना प्रकार है, आत्मा में कल्पित है, उसमें दृष्टान्त तद यथा दृष्टान्त। लोक है प्रसिद्ध से रथ से रथ में प्रसिद्ध रथ प्रसिद्ध लोक में उसके अरेसु नेमी नेमी अरेसु नेमी
अर कौन है ना नेमी नाभ्यर मध्यस्थ सलाकाशु अरेशु का अर्थ किया रथ से अरेशु अर कौन नेमी नाभ्यर मध्यस्थ सलाकाशु नेमी और नाभि सब उसके बीच में है नाभि और बाहर चार तरफ है नेमी और नाभि के बीच में मध्य में जो साला कायदन रहे उसको कहते आरा भले में आरा ये साइकिल आदि में चक्र में रहता है चार तरफ रहता है नेमी बीच में रहता है वो कहते नेमी मध्यस्थलाकाश चक्रोपांत रूपा नेमी नेमी किसको कहते हैं चक्रस्य उपांत अंत में है बाहर तरफ अंत के समीप उपांत रूपा नेमी अर्पिता नाभो अर्पित कौन होगा अरा नाभो चक्रपिंडिकायाम नाभि का अर्थ क्या चक्रपिंडिका बीच में चक्रपिंडिका ऐसे कौन अर्पित है अरा अर्पिता इसी प्रकार एवं भूतानि एवं भूतमात्रा प्रज्ञा मात्रा सु भूतों को भूतमात्रा कहा भूतानि कति पांच भूत है पृथ्वी आदिनी उनको मात्रा मियंत्रित मात्रा ग्रहण किया जाता है अनुभव किया जाता है इसलिए मात्रा अर्थात भोग्य ये भोग्य हो गया भूत मात्रा भोग्य भूत के शब्दादि सब तन्मात्रा भोग्य है तो भूत मात्रा शब्द शब्दादि लेना शब्दादे हो पंच भूत पांच लेना और भोग्य भी लेना मियंत इति मात्रा भूत और मात्रा पंच इति दस भूत मात्रा भूत मात्रा दस होगी भूत और शब्दादि भोग भूत मात्रा कहाँ अर्पित है प्रज्ञा मात्रा सु प्रज्ञा मात्रा अनुभव ज्ञान उसमें अर्पित है इंद्रियजा पंच शब्दादि विषय प्रज्ञा शब्दादि को विषय करने वाले जो ज्ञान है इंद्रजन्य है ये पांच हो गया मियंत अभिरीति मात्रा प्रज्ञा तो हो गया ज्ञान मात्रा से इंद्रिय लेना पहले मियंत इति मात्रा कहें तो विषय हो जाएगा मियंत अभिरीति मात्रा कहें तो क्या अर्थ होगा पंच धी इंद्रिया इंद्रिय पांच और ज्ञान पांच मिलकर कितना हो गया दस पहले दस था पृथ्वी आदि पांच भूत और भोग्य शब्द आदि दस धींद्रियाणी नेमीवत बाह्यम ये नेमी के समान बाहर है उसके अंदर नेमीवत ग्राह्य नेमीवत ग्राह्यम ग्राह ग्राहके स्वरेषु कल्पितम ग्राहक सब का ग्रहण करने वाला अर में कल्पित हो गया सो नेमीवत नेमीवत ग्राह्यम हाँ ग्राहकेशु अरेशु कल्पितम इतुक्त्वा नाभिस्थाने प्राणे सर्वम कल्पित नाभि मध्य में इसमें से अर्पित जिस प्रकार चक्र का इस प्रकार प्राण में सर्वम कल्पित प्राणे अर्पिता प्राणे अर्पिता प्रज्ञा मात्रा प्राणे में अर्पिता जो प्राण है सहेष प्राण एव प्रज्ञात्मा वही आनंद अजर अमृत टीका में स प्राण मम स्वरूप मित्या जो प्राण है वो समय आत्मा विद्या विषय इंद्रिय व्यवहार से अनभिभूत प्रत्येक आत्मा ही समय आत्मा विद्यात वही मेरा आत्मा है इंद्र कहता है यदि चौपसार किया तभी प्रत्येगात्म परिग्रह है साधु प्रत्येगात्मा लेंगे तो ठीक है प्राचीन ग्रहण करेंगे तो अन्य को लेंगे तो नहीं ग्रहण नहीं ठीक नहीं है तरी प्रत्येगात्मनि समन्वय न तो ब्रह्मणि तो ब्रह्म तो प्राण का तो प्रत्येगात्मा होगा प्रत्येगात्मा में वेदांत का समन्वय वाक्य का समन्वय हो गया ब्रह्म में नहीं हुआ ऐसा संक्रांत तत्रह अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति च श्रुत्यंतरम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू सबके अनंतर सबको अनुभव करने वाला अयम आत्मा ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है।
आत्मा से ब्रह्म भिन्न नहीं, ऐसे प्रत्यय आत्मा संबंध कौन से प्रत्यय आत्मा है ब्रह्म, प्राण शब्द से ब्रह्म रहना है। तस्मात अध्यात्म संबंध बाहुल्यात, प्रत्यात्म संबंध अधिक होने से ब्रह्म उपदेश वयम, ब्राह्मण उपदेश जो प्राणवश में प्रज्ञात पा कह करके इंद्र ने प्राण कहा, वो प्राण ब्रह्म है न देवतात्मा उपदेश, देवतात्मा का उपदेश नहीं ब्रह्म का उपदेश है। ठीक है, मैं अहंकारवाद से गति पृछति, यदि कहेंगे ब्रह्म लेना है तो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इंद्र कहते हैं मैं हूँ प्राण, अपने अहंकार से कथन करते कैसे बनेगा। ठीक है, मैं भाष्य में कथन तरी वक्तुरात्मा उपदेश, वक्ता का आत्मा कैसे होता तो अहंकार करके स्वयं जो वक्ता का आत्मा कैसे होगा। ब्रह्म यदि कहना है तो वक्ता आत्मा, वक्ता के आत्मा का उपदेश क्यों होगा, न वासम विजिज्ञासी तो वक्तारम विद्यात, वक्ता को लेने के लिए क्यों कहा, ब्रह्म को लेना चाहिए। अहंकार वाद से गति कथम कथन तरी वक्तुरात्मा उपदेश किया, उसका उत्तर है सूत्रम, सूत्रम उत्तरम शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशो वामदेववत, यहाँ जो इंद्र उपदेश करते हैं उपदेश वामदेववत, वामदेव का जिस उपदेश है गर्भ में इसको ज्ञान हो गया, अहम इंद्रम इंद्रानु अभवम मनुरभम इंद्र में, हाँ अहम मनुरभवम सूर्य से सूर्य चंद्र से मैं ही था वामदेव ने कहा। इसी प्रकार यहाँ जो इंद्र उपदेश करते हैं शास्त्र दृष्टिया, शास्त्रजन्य दृष्टि से शास्त्रीय तत्मसादि वाक्यजन्य दृष्टि ज्ञान से ही उपदेश है। इंद्र जो उपदेश करते ब्रह्म ज्ञान होने बाद अहम अस्मि जो कहते इस शरीर में अहम बुद्धि ज्ञानी क्या होती है, इसे शास्त्र दृष्टि शास्त्रीय दृष्टि शास्त्रजन्य तत्वसादि वाक्यजन्य दृष्टि ज्ञान तदृष्टिया उपदेश है, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश नहीं, इंद्र अपने आत्मा अपने को कहते नहीं, अस्मि अहंकार शब्द से कहा। ज्ञान जिसको है ज्ञान का उपदेश करते समय अहम अस्मि प्राण, तो अहम अस्मि प्राण का तो प्राण का तो ब्रह्म अहम अस्मि न कि विग्रह, जैसे वामदेव ने अहम मनुरभव इंद्र से सूर्य से मैं ही इंद्र आदि था अहम मनुरभव सूर्य से, इसी प्रकार है उपदेश अहम कहकर ब्रह्म का उपदेश है। सूत्र का व्याख्यान तद व्याख्या थे इंद्र ही थे, इंद्र नाम देवतात्मा देवता स्वरूप है, स्वयं आत्मान परमात्मत्वेन अपने आत्मा को परमात्मत्वेन ज्ञान जिसको ज्ञान उपदेश करते आचार्य अपने आप को देह मानता है परमात्मत्वेन अहमेव परम ब्रह्म इति, यही ज्ञान उनको है। ज्ञान कैसे हुआ, आर्षण आर्षण दर्शन ऋषि वाक्य वेद वाक्य, वेद वाक्य से उत्पन्न होने ज्ञान आर्ष ज्ञान, वेद वाक्य से जो ज्ञान हुआ अहम वैव परम ब्रह्म, इसी ज्ञान से ही उपदेश करते हैं। यथाशास्त्रम पश्चन उपदिशति स्म, यथाशास्त्रम शास्त्र में जैसे उपदेश किया गया तत्त्वमस्यादि ऐसा साक्षात्कार करते हुए इंद्र ने उपदेश किया था, उपदिशति स्म उपदेश किया था। माम एव बीजानी, माम अस्म शब्द का प्रयोग किया अहंकार का, आ माम शब्द से ज्ञानी किसको कहेगा देव को, इसलिए आत्मस्वरूप ब्रह्म अहम परम ब्रह्म इसी दर्शन से युक्त होकर के माम एव बीजानी कहा। मनु ऐसे वामदेव दिया दृष्टान्त, वामदेव गर्भ में ज्ञान हो गया, कौन उसको उपदेश किया, जन्मांतरकृत शवनादिना अस्मिन् जन्मनि स्वतःसिद्धं दर्शनम आर्षम, ये आर्ष दर्शन वेदांत जन्य दर्शन कैसे हुआ, अन्य जन्म में श्रवण मनन आदि सब कर लिया था, कुछ प्रतिबंधक था ज्ञान नहीं हुआ था, इसी जन्म में स्वतःसिद्धं दर्शनम स्वतः ही पूर्व श्रवण आदि के कारण अभी प्रतिबंधन स्टोन से जो ज्ञान होता है आर्ष दर्शन। विज्ञ इंद्र स्तुत्यर्थम उपन्यास न चेत
कथम तेरे सहित बुझे कथम प्रथम बाद में आया ना ये पहले भाष्य में माम विजानी यथा तदे तत्पश्चन निषेध महामदेव प्रतिप ये दे अहम अनुरभवम सूर्य से तद्वत तदे तत्पश्चन ये तो आत्मतत्व ब्रह्म को पश्चन प्रतिपेदे आत्मतत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए उनको ये निश्चय हो गया वामदेव को वाम ऋषि वामदेव प्रतिपेद किम अहम सर्वात्मक उनका अनुभव हो गया आत्मतत्व साक्षात्कार उनसे क्या अनुभव होता है जो ब्रह्म सर्वात्मक अहम सर्वम अहम अनुरभवम सूर्य मनु सूर्य मैं ही हूँ मैं ही था और कुछ नहीं। इसी प्रकार महामेव बीजानी इंद्र कहते अपने ब्रह्मस्वरूप मान करके ज्ञान होते ही तद्रूप हो जाता है। बृहदारण्य में कहा तद यो यो देवानां प्रत्यबुद्धत शैव तद अभवत यो यो देवानां देवानां मध्य यो यो प्रत्यबुद्धत जिस जिसको ज्ञान हुआ जो जो ज्ञान जान लिया शैव तद ब्रह्मस्वरूप हो गया देवता में हो गया तत्थर्षीनाम देवता मनुष्याणाम ऋषि में हो मनुष्य में जिस जिसको ज्ञान हो जाए वो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ऐसे श्रुति कहती इति श्रुते। इसलिए ज्ञान होते ही ब्रह्मस्वरूप वामदेव कहता हम अनुभव सर्वात्मक। इसी प्रकार इंद्र ज्ञान के कारण आश्वदर्शन से ज्ञान से युक्त होकर के कहते माम एव विज्ञानी इंद्र देह के लेकर नहीं प्राण प्राण शब्द से ब्रह्म को लेकर के अब इसके पर है जो स्वाष्ट बध आदि करने पर कुछ नहीं हुआ करके ये आत्म अपनी स्तुति की वो कैसे स्तुति बनेगी। इधर जैसे ब्रह्म मानता है तो फिर अपनी स्तुति कैसे बनेगी किसको लेकर के इनको मारा तो भी कुछ नहीं हुआ है कैसे बनेगा इसके आगे प्रश्न उत्तर है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।